नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर कोरोना से 54 की गई जान, एमपी में पेशेंट के लिए नई गाइडलाइंस, भोपाल में कोरोना का बड़ा संकट। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। फिर कोरोना से 54 की गई जान। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम तरह के उपायों के बाद भी वायरस तेजी से फैल रहा है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 54 लोगों की जान चली गई। जिस तरह पिछले वर्ष स्थिति बनी थी, बिल्कुल वही हालात अब बन गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने से डॉक्टरों सहित स्टाफ पर प्रेशर बढ़ गया है। डॉक्टरों की माने तो अगले कुछ दिनों तक जिले में यह स्थिति बनी रहेगी। यही वजह है कि सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने का अपील की गई है। एक ओर जहां गर्मी का सितम बढ़ने लगा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना का आतंक लोगों को डराने लगा है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज बढ़ने से बिना कोविड वाले मरीजों के उपचार में दिक्कतें आ रही है। डॉक्टरों सहित सूचना स्टाफ कोरोना मरीज के इलाज में लगा हुआ है। वहीं कई जगह तो लापरवाही भी बढ़ने लगी है। अधिक बिल वसूलने और मरीजों का योग्य तरीके से इलाज नहीं होने से जैसी शिकायतें मिलने लगी है। तो वही दूसरी ओर एमपी में पेशेंट के लिए नई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में अस्पतालों में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर सरकार ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें होम आइसोलेशन के नियम में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक घर में रहकर इलाज कराने वाले की निगरानी के लिए जिला कोविड एवं कमांडर सेंटर को नई किट सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी तरह बड़े अस्पतालों में गंभीर मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर बेड उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज कोविड सेंटर में ही किया जाएगा। तो वही तीसरी ओर भोपाल में कोरोना का बड़ा संकट। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ने को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। भोपाल कमिश्नर कविंद्र किवायत ने कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को चलते अस्पतालों में बेड आरक्षित कराने के लिए बैठक बुलाई। 14 निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ कमिश्नर कार्यालय स्थित सभागृह में बैठक चली रही। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।